राम राम भाई सारे भाई है ना। तो भाई आप आठ है कॉन्स्टेबल वाले भाई ज्वाइनिंग ताई इधर ना करे सारे भाई है पुलिस सुविधा रुकन की। जो भी वीडियो ने देखा जितना जल्दी हो सकाओ भाई यार अपने यार दोस्तों ने लियाओ, बाकी इन भाई आगे सुनाएंगे। ये भाई तो जाए गद्दा पर बंदा है। ओके भाई भवानी वाले हैं ये सारे भाई, तगड़ाना भवानी भाई तगड़े दौड़े हैं, पर फिलहाल भाई मुर जा रहे हैं ये भाई तगड़ाने वाले। के नाम भाई? दीपक भाई तगड़ाने तय। बता भाई दीपक के कुछ हालात हो रहे हैं क्यों करके टेम लकड़ रहा तेरा भाई? घर वाले भी दुखी हो लिए, पिताजी एक्सपायर हो गए थे भाई 2005 में। अच्छा रे। उसके बाद मेरी उम्र थी उस टाइम पे 13 साल भाई। 13 साल की उम्र में तो मेरी मम्मी पहले के थी भाई जिस तरह खुली दैडी करा करती। उसके बाद भाई मेरी मम्मी 10 साल थी 1000 रुपया में बच्चा का खाना बनाया स्कूल में जो मिड डे मील है उतना। उसने भाई इतना संघर्ष कराया है शायद ही कोई माँ बाप करे भाई। उसका बाद भाई पढ़ा लिखा के क्यों करे गुरे थी पिछली भर्ती में भाई टेस्ट हो गया कोनी मेरिट में पढ़ा जो शुरू में 2018 में हुआ भाई कोनी हुआ है, लेकिन अब की बार हुआ भाई घर में खुशी का माहौल होया माना थोड़ी हास जागी भाई थोड़े हालात सुधर गए। लेकिन भाई जैसे ही रिजल्ट आया भाई केस डल गया इस पर जैसे ही बताया उसके बाद भाई सोचा भाई एक महीना लेट हो जाएगी दो महीना लेट हो जाएगी भाई, लेकिन नहीं बनी भाई बात। इब आखिरी में भाई घर की भी नोले माए है बड़ा मैं हूँ भाई दो छोटे भाई हैं एक दोनों ग्रेजुएशन कर एक कर रहे हैं और एक करण ला रहे हैं मतलब जिम्मेदारी सारी तेरा पे है भाई। अरे खुशी भी नू और माँ पर इससे पे भाई। हाँ ई माँ का भी नू उम्मीद होगी थी भाई तक काम चल लगा छोरा लग गया इतने बढ़िया। हमें साथ में उड़ेगा वहाँ घर आस पास है। कल इसकी परसों इसकी माँ विधवा पेंशन निकलवा के लेके आई। मैं साथ में गया था विधवा पेंशन निकलवा के लेके आई और तब इसको 1500 रुपये किराया दिया भाई जब युवाड़ा आया है। और जो ये नानी है ये मजबूरी आके बानी बना इस तरह फालतू घर के हालात खराब है गे इस तरह फालतू गरीबी है गे भाई। ना भाई बिल्कुल मेरे खुद पड़ोसी है भाई ये मैं जानू हूँ भाई कैसी कंडीशन है। तो मैं तो छोटा ही था ये भी ये भी 13 साल के थे जब इनके पिताजी एक्सपायर हुए। हाँ भाई बता ही रहे सब के भाई मेरा भी भाई इब आज छोरा ही सटी है फिर भी मैं टाइम निकाल के उड़ा आया एक दिन के लिए दो दिन। अरे ये ब्याह के बहाने मारे हैं ब्याह के बहाने मारा आज छोरा की छठी है फिर भी टाइम निकाल के आया हूँ ठीक है। इसलिए सारे तो भाई रिक्वेस्ट है भाई जा चाहे ना एक दिन का निकालो दो दिन का निकालो एक एक करके आओगे ना तो भी गणी स्ट्रेंथ होगी अपनी। चल बताओ भाई। भाई ईब जिस तरह माँ कहे थी भाई रिश्ता कर ले रिश्ता भी नहीं कर सकते भाई क्योंकि गड़बड़ हुई तो फिर सिस्टम महंगा हो जाएगा इतनी महंगाई में ना पढ़ सकते भाई ना कि मैं और कर सकते पढ़ने खात बताओ पढ़ाई जब होया जब आस पास का माहौल भीतरता आदमी ठीक हो पर जब भीतरता ना सो रहा है तो के दिमाग के ना लग गया यार भाई। मैंने मारे थोड़े है पड़ोस में तो भाई वाह तो तय लग है तो ले भाई रह लिया तू भी बात बनी नहीं थी चोट लग गई दिल में और दीपक क्या कह की बैठ देखा मैं भर्ती को नहीं हो भाई दुख बहुत हो क्या करा भाई कर रहे अपने जज्बात ने काबू है जनू आप ही घर ने बैठे रहे तो भर्ती को नहीं हो भाई इसलिए ज्यादा 5500 है यार छोरियां ना माने तो 66 से यार काले सात जनी आ रही थी छोरी 1% भी नहीं आ सकती 1% आ रही थी 20% 25% कम से कम ये तो आओ आज और छोरी जितनी दिखेंगी दुखी होंगी उतना जल्दी एक्शन होगा यार ये समझ दी नहीं छोरी स्ट्रेंथ अपनी जितनी हां उतनी स्ट्रेंथ मेन है छोरी की स्ट्रेंथ और फालतू मेन है यार। भाई मैम जिस ट्रेन में है उस ट्रेन में सिर्फ एक छोरी उतरी थी पूरी ट्रेन में एक छोरी प्रोटेस्ट करता आज जॉइनिंग दे दो आज जॉइनिंग की डेट दे दो सारे 100% हां सारे ब्याबू सब के मत समझ जाएगा इनका एक का सेकंड में उसका चाहे लड़का का लड़की का खुद का ब्याह क्यों ना हो हां सब कोने ये बाजे आवेंगे। अरे मैंने को उड़े भी तो फायदा रे यो भी तो फायदा है यो भी तो थारे हक का खतरा है यार। खतरी को मैसेज है जो बड़क रह रहे नहीं सामने आ जाओ सामने वो मेडिकल हो और फिर ट्रेनिंग भी चलना आज मेडिकल लेगा जल्दी आओ न्यू तो बाट देखें ये इन्हें तो कमेंट भी कर देंगे सच कह गया वो भाई इन्हें तो कमेंट भी कर देंगे बिल्कुल। चलो ना भाई आओ सारे भाई
ठीक है भाई। आओ यार मजबूरी सब के लिया घर के हालात सब के खराब ही भाई के देख लो। कल बात सॉरी यार दी यार वो कि मैं अपनी माँ ने गोली दे गई यार उसका भी ज्यादा हालात खराब है यार। हाँ वही तो बात है यार इन तो देखो सीखो यार ये इन के मैं न्यारी तनख्वाह मिल जाएगी यार इन के मैं न्यारी सुविधा होगी यार। अरे लड़कियां अपना एक अपना घरवालन साथ ले आओगी या अपना भाई ने पापा ने साथ लाओगे दो पर्सन हो जाएंगे तो मेजोरिटी बनेगी लड़कियां आऊंगी तो उस तो बहुत बड़ा फायदा होगा। हमने पांच दिन छह दिन भी कौन बैठना पड़ेगा अपन ज्वाइनिंग मिल जाएगी नू बैठे रहो चम चार महीने करने कोई नहीं पूछता लड़के नहीं आए बहनी तो 900-950 बालक भर्ती हो रहे हैं आए यार हम 17 आदमी ऐसे थोड़ी बात बनेगी भाई। हर डिस्ट्रिक्ट से अपनी अपनी जिम्मेदारी समझो और भाई यार पूछो धरना है सेक्टर 5 माड़े हो और सब भाई आओगे HSC ऑफिस के सामने और अपने लोकेशन डाल दें ग्रुप में। अरे यार पहुंचो यार हिम्मत करो थोड़ी सी यार ऐसे मत सोचो ऐसी सुविधा होगी दूर है भाई कोई ऐसी सुविधा ना है जाई गुजरा सोड चार्जिंग की सुविधा रोटी पानी सब सही चल रहा था यार। यार अगले देश खातिर लड़ गए और हम अपने खातिर नहीं लड़ सकते वो फांसी चढ़ गए भगत सिंह भर गए हम यार अपने खुद खातिर नहीं लड़ सकते अपनी ज्वाइनिंग नहीं ले सके अरे कोई पीछे दे के नौकरी थोड़ी लग रही है पेपर दिया फिजिकल दिया याद से तारा वो दिन 12-12 घंटे पढ़ाया करते लाइब्रेरी में पैर सूज जाया करते फिर दूसरा जाके ना करना रोटी का टाइम था ना खान का ना नहाने का ना भाड़े के रुपये पाया करते ना कितनी दिक्कत हुई याद है किसे का वे टाइम भूल गए था हम नू नौकरी थोड़ी मिली है हिम्मत करो उठो ये तो सारा आज सारा सौदा हाथ में है और अपने पोछो आड़ा धरना पाओ बड़ी दिक्कत हुई है कितनी भर्ती कैंसिल हुई है तारे पेपर कैंसिल हो लिए लास्ट में जाके फिजिकल करे हो पंचकुला भी आए सुबह उठे हो भाग्य और रेस मारण की तैयारी भी करी था हमने पेपर भी दिए किताब भी लाए हो घर के ने भाड़ा भी दिया तरते ईब सारे काम है पास ईब था हम घर ने बैठे ईब तो मतलब ही नहीं बनता यार पोछो ईब तो जरूरी पोछना एकता बनाओ और पोछो और वीडियो ने शेयर करो भाई दबा के ना ठीक है और अब जितने भाई और बहन आओगे ना उतना अपना जल्दी बहुत बढ़िया भाई थारा समझना के ऐसा है यार खुद का काम है वो करना पड़ेगा कोई थार का तर को नहीं आओगे बहाना बनाना सारी बना सके। तो भाई इस वीडियो में तो तुमने दो तीन कहानी सुनी यार मैं काल काड हूँ भाई मैंने कई कहानी सुन ली ठीक है आख्या में पानी आ जाए इनकी देख कर और तुम खुद देखने वाले थारी थारे भी आओगे और तो कोई देखना कॉन्स्टेबल वाले तो सिचुएशन जो बन रही है उन लोग आगे पेश करो भाई ठीक है जो भीतर का माहौल है ना उन दुनिया से दिखाओ के बन रही है लुकड़ का टेम कोने छपन का टेम कोने मेरे यार यो हैं ये भाई आत्मा मार लो लास्ट स्टेप फटे हो जरा पड़े पड़े बात मत मारो कि मना हो यो ना हो वो ना हो आत्मा मारोगे तो सारे काम समझ जाएंगे यार मुद्दा ने सीरियस लिया करो भाई। अरे ये छोरी है जुनसी है आ जाओ विवेक बतम है थारा आए तो तोड़ा काम बनेगा सुनवाई होगी और 55 सवाल गए टोटल 66 से यार के मैं लकड़ आऊ ना बार भाई कड़ा अंडो तुम एक बार 5-4 दिन की बात है और जब सही हो जाएगा सिस्टम 5-4 दिन में सारे काम सही हो जाएंगे एक बार बोझ बनेगा ना जब सारा काम हड़वा हो जाएगा पर तुम मानते नहीं या समझते नहीं सोदा ना यार ठीक है। तो आ जाओ भाई इन भाइयों की बताई और भी कोई भाई बताओ उनकी भी बताऊंगा ठीक है अब जल्दी आ जाओ तुम्हें भाई रिक्वेस्ट आ दौड़ का सब तो भाई सारा का काम है एक का काम नहीं भाई सारे आओगे जब काम चल लगा भाई जॉइनिंग का टाइम पर भी करना बैठे रहोगे जॉइनिंग का टाइम भी लेट आओगे भाई उस भाई यार बात एक बार तू मेरा लग जाने हां ना मेडिकल जो तुम फट देनी भाई आ जाओ जल्दी सारी इमरजेंसी थारी लेस हो जाए फिर आ जाओ भाई सीरियस हो जाओ हो जाएगी भाई अरे सरकार युवा हो युवा के रखे कर दे युवा यार तो तुम अपनी ताकत नहीं समझ रहे अरे वो माहौल एक नंबर का बन रहा भाई इतना इतना बढ़िया माहौल बन रहा तो माँ के तो देखो यार फैसिलिटी मिलेगी तो हमने भाई सारे बालक आ रहे यार 1% भी जो माने लगने का काम आपस में सुनोगे ना माहौल बनेगा ठीक है यार भाई एक हफ्ते में ज्वाइनिंग लेके जाएंगे यार बिल्कुल एक हफ्ते में ज्वाइनिंग लेंगे भाई सारे भाई आ जाओ एक हफ्ते में ज्वाइनिंग है कभी पक्की जितने जल्दी आओगे उतनी जल्दी ज्वाइनिंग हम 2-4 दिन में ज्वाइनिंग लेते भाई भाई स्ट्रेंथ दे साथ तो जो पर यार है साथ दो तो चलो कुछ होगा यार नू उड़ कर आ रहे हो गए यार फिर कुछ नहीं होना भाई आड़ा हो गए ना धरने पे सारे भाई तो सारा सब कुछ मिलेगा भाई टाइम पे बस हम ना आके बैठना है और कुछ नहीं करना भाई बैठना है बढ़िया दिला बन का माहौल है यार आपस में सुनो भाई की के बन रही है उम्मीद भी बनेगी काम भी बनेंगे इतनी बात कहूँ जब हम एक दिन में चेयरमैन साहब ने बाहर लेकर आ सका ना तो हम एक हफ्ते में ज्वाइनिंग भी ले सका इतनी बड़ी चीज हुई है कल उस चीज तो सीख लियो यार जब तुम आए नहीं रहे भाई अंदर की बात ये है डिप्रेशन आ रहे दिखाओ ना अपना यार अंदर की बात दिखाओ ना डिप्रेशन दुनिया भीतर लिए फरो आग
बढ़न लाग रही भीतर में, तम्मा बढ़न लाग रही उसकी इत उन्हें एक बार शेयर करो। कालू छोरी ना बताई कितनी काम मलतरिया न्यू बताओ फिर देखो क्यों कर काम चल लेंगे थारी छोरी भी रात ना डट रही भाई साहब छोरे हो गए नहीं थम यार के करोगे यार थम बेल्ट की नौकरी दे रही यार थम तो ये आड़े नहीं आ रहे यार बता क्या होगा यार थारा सभी आपके सहयोग ना यार सारे के सारे आपका सहयोग कर रहे हैं बिल्कुल सारा प्रशासन। और अंदर की तो बात यह कि अगर आपके पास संख्या बल है तो आपकी ज्वाइनिंग एक दिन में भी हो सकती है। ये वही लोग बता रहे हैं हमें उनका नाम हम यहाँ पे नहीं ले सकते एक बार आप आ जाओ भाई पोटे हमने लड़कियां सारे आ जाओ तो लड़कियां नहीं एक है भाई हम सारे रात ने रुकेंगे क्यों रुकेंगे भाई कल ना ज्वाइनिंग होगी ज्वाइनिंग में रात ना ड्यूटी ना करनी पड़ेगी बिल्कुल है जोन से बालक लिकट नहीं रहे भाई ये जड्डा मान रहे हैं जोन से आ क्यों नहीं रहे बार भाई ज्वाइनिंग में तो एक मिनट में आ जाओगे थम जिसको भाई केस का स्कटर था ना घर वाले बोल रहे थे कि केस लग जाए ये लग जाए सारे हमारे सहयोग में है भाई बिल्कुल हर तरह का समाधान अब हो गया है जिसको ये डर था कहाँ रहेंगे क्या कहाँ खाएंगे अब तो वो देख लिया आपने अब तो आओ सब कुछ बढ़िया माहौल है भाई सभी से निवेदन है कि सभी आओ सुविधा है एक से एक बढ़कर सुविधा है बिल्कुल भाई सोचो लो पीछे सोने का गद्दे हैं रजाई हैं दिखा दिया खाने का एक नंबर का ठीक है इन्हें मुद्दा सीरियस ले लो यार कदे तो तुम मान लिया करो ठीक है मेरा तो क्या पूछना बतलाना होता इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लियो सारी सुविधा है मैं झूठ ना बोलता है सारी सुविधा हो रही है एक नंबर का सिस्टम बैठ रहा है तुम आ जाओ अड अपनी सुनाइयो और की सुनियो है भीतर अपने खाली करियो मेरे यार बनेगी बात